दहावी झाली मग आता 11वी 12वीच्या जे डबली नीट सारख्या सर्व स्पर्धा प्रवेश परीक्षांमध्ये चांगले गुण मिळून चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळवायचं आहे. डॉक्टर, इंजिनियर, आर्किटेक्ट, सायंटिस्ट बनायचं आहे. मग त्यासाठी तुम्हाला गरज आहे योग्य मार्गदर्शन, उत्कृष्ट टीचिंग क्वालिटी, उत्तम इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि नेहमीच नेत्रदीपक निकाल असणाऱ्या अकॅडमीची, म्हणजे श्री राजलक्ष्मी रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्सची. कारण फक्त इथेच गुणवत्ता हेच संस्कार आणि यश हीच परंपरा आहे. ॲनिमेटेड ऑडिओ, व्हिडिओ, 3D लेक्चर्स, प्रत्येक विद्यार्थ्याला टॅब, त्यामध्ये नोट्स आणि व्हिडिओ लेक्चर्स, प्रत्येक विषयाला 2 तज्ज्ञ आणि अनुभवी शिक्षक. अकॅडमीतील अव्वल येणाऱ्या आणि गव्हर्नमेंट, मेडिकल किंवा IIT मध्ये प्रवेश मिळवणाऱ्या स्टुडंट्सना अकॅडमीकडून 1,00,000 रुपयांची स्कॉलरशिप सुद्धा. प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष, अभ्यासाबरोबरच सर्वांगीण विकास हेच ध्येय. मग विचार कसला, 11वी 12वी सायन्स प्रवेश सुरू. आझादीच्या दुसऱ्या आंदोलनाची देशाला गरज. तिरंग्याचा द्वेष करणारे हर घर तिरंगा म्हणताय. CPIM च्या नेत्या वृंदा करात यांचा मोदी सरकारवर प्रहार. क्रांतिसिंह नाना पाटील लोकविद्यापीठाचा सामाजिक पुरस्कार स्वीकारताना करात यांनी मांडले विचार. क्रांतिसिंह नाना पाटील लोकविद्यापीठाच्या वतीने दिला जाणारा क्रांतिसिंह नाना पाटील सामाजिक पुरस्कार 2022 हा पुरस्कार CPIM च्या नेत्या वृंदा करात यांना शनिवारी विटा येथे प्रदान करण्यात आला. या प्रसंगी बोलताना वृंदा करात यांनी मोदी सरकारच्या कारभारावर आक्रमकपणे टीका केली. चला पाहूयात काय म्हणाले आहेत वृंदा करात. इस सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय भाइयों बहनों, इस संस्था के बहुत ही टैलेंटेड हमारे जो छात्र हैं, इस संस्था के जो उतने ही टैलेंटेड प्रिंसिपल्स हैं, स्नेहल बाबा जी, उज्ज्वला पाटिल जी, आनंद मोरे जी, रमेश कामरे जी और तमाम साथियों, आप सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम और सलाम. सोच नहीं सकती थी कि यहाँ विटा में इस प्रकार के, क्या कहेंगे, शहीद, महाशहीद, महापुरुष जिसके नाम पर ये संस्था बना है, क्रांति सिंह नाना पाटिल जी, आज हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी रास्ते पर चलने की शपथ लेने के लिए, कोई औपचारिक श्रद्धांजलि नहीं. हम जब श्रद्धांजलि देते हैं ऐसे महापुरुष को, तो उसका अर्थ यही होता है कि वो श्रद्धांजलि में हम ये शपथ लेते हैं कि उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है उस पर अगर थोड़ी सी दूर भी अगर हम चल सकते हैं, वही श्रद्धांजलि है. आप आए हैं दूर से, मुझे पता चला है, जैसे सुभाष जी ने बताया कि अलग अलग जिलों से हमारे बहुत माननीय कार्यकर्ता भी अलग अलग संगठनों से आए हैं. मुझे लगता है कि हम लोग सब एक उद्देश्य को लेकर आए हैं कि हम नाना पाटिल जी की उस जिंदगी की, उस प्रेरणा से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, उसी के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं. और इसलिए मैं समझती हूँ जो यहाँ बैठे हैं, जो मंच पर बैठे हैं, हमारा कोई अंतर नहीं है. हम लोग सब एक लक्ष्य के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं. इसलिए मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और एक बार फिर मैं आप सबको और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि अभी जो हमारे विद्यार्थियों ने यहाँ जो प्रदर्शन
जिससे जो उन्होंने यहां प्रदर्शन किया देशभक्ति की, और उस देशभक्ति की गीत में उनकी विचारों में जो एक ऊर्जा दिखाई दिया, मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए ऐसे विचारों की जरूरत है जो हम सब की एकता के लिए हमें आह्वान करता है। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और बाहर जो आप लोगों ने वो सिंबल के साथ दिखाया है उससे भी हमें सबको ऊर्जा मिलता है। बहुत ही फैंटास्टिक था, पहले बार मैंने देखा है स्कूल की स्टूडेंट्स थे, बड़े जबरदस्त तरीके से नाच भी रहे थे, सिंबल भी क्लैश कर रहे थे, ढोलक भी बजा रहे थे। वाकई में हमें सबको ऊर्जा मिला है। थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहना चाहती हूं, जब हम पुरस्कार की बात करते हैं, मैं अपनी जिंदगी में मैंने कभी पुरस्कार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब हमारे साथियों ने कहा कि ये तुम्हारे लिए पुरस्कार नहीं है, ये पुरस्कार समझो संघर्षों के लिए है जो आज हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संघर्ष हो रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्र में जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जिनका आज हम लोग इतने लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं ले सकते हैं, तो उनके संघर्षों की आज सम्मान दिया जा रहा है। और इसलिए मैं समझती हूँ इससे क्या गर्व की बात हो सकती है कि आज इस मंच पर हम नाना साहब की हम याद करते हैं, जो वाकई में एक शेर की जैसे ब्रिटिश जुनून के खिलाफ लड़े थे, एक शेर की जैसे कुर्बानी देने का रास्ता को हमें सिखाया है, और उस शेर की उस बहादुर व्यक्ति के नाम पर ये पुरस्कार संघर्ष करने वालों के लिए है। इसलिए मैं उनके नाम पर बहुत नम्रता के साथ आप सबको याद देते हुए इसे देते हुए मैं स्वीकार करती हूँ कि मेरे लिए नहीं, आखिर व्यक्तियों का रोल तो होता है समाज में, इसमें तो कोई दो बात नहीं है, लेकिन जब समाज को हम बदलना चाहते हैं, जब समाज में हम अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप पर एक सामूहिक लड़ाई की जरूरत है, एक सामूहिक शक्ति की जरूरत है, एक एकता की जरूरत है। और आज अगर आप हमसे पूछें, हिंदुस्तान में आज उस एकता की जरूरत है जो हम लोगों ने हमारे स्वतंत्र संग्राम में हमने देखा, और जिसकी प्रतीक नाना पाटिल जी थे, और उस एकता के नाम, उस संघर्ष के नाम, व्यक्तियों के नाम होते हैं मेरे प्रिय साथियों, लेकिन जन शक्ति के मुकाबले में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि जब जन शक्ति है तो सबसे बड़े हुकूमत को भी इस हिंदुस्तान की गरीब जनता ने झुका दिया है। वो शक्ति आज हमें दिखाने की जरूरत है। मैं मानती हूं जो प्रति सरकार बनी और जो कुर्बानी के आधार पर, बहादुरी के आधार पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का एक और नया पहलू जोड़ा है, वो क्या पहलू था जो आज हमें
प्रासंगिक रखता है। हालांकि आजादी के संघर्ष में विभिन्न प्रकार की राजनीतिक शक्तियां थी, गांधी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन था जिसको हम मुख्य आंदोलन के रूप में मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन केवल वो आंदोलन नहीं था, उसके साथ साथ कम्युनिस्टों का आंदोलन था जो रूस की क्रांति से प्रेरणा लेकर हम लोगों ने अगर इतिहास को सही तरीके से पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बहुत बड़ी शक्ति कम्युनिस्टों ने दिया, किसानों मजदूरों के आंदोलन ने दिया, जो उस आजादी के संघर्ष के साथ एक आजाद हिंदुस्तान का रूप क्या होना चाहिए उसका भी कार्यक्रम उस संघर्ष के साथ जोड़ कर दिया। लोग कहते हैं 1857 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक साथ लड़े, बात सही है, लेकिन उससे बहुत पहले 60-70 साल पहले आदिवासियों का आंदोलन था इस देश में। यहां के बहुत नजदीक कोली महादेव की नेतृत्व का एक बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। पूरा छोटा नागपुर इलाके में जो झारखंड और बिहार का इलाका है उसमें सबसे जबरदस्त आंदोलन एक आदिवासी ने नेतृत्व दी, तिलका माझी, जिन्होंने कहा कि आदिवासियों की जमीन, आदिवासियों की जंगल, आदिवासियों की अस्तित्व जो ब्रिटिश हुकूमत समाप्त कर रही है उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, लड़े अपने पारंपरिक हथियारों को लेकर और उसको पकड़ के ये करोड़ ब्रिटिश ने उसको घोड़े के पीछे बांध कर किलोमीटर दर किलोमीटर उसको चलाकर उसकी पूरी शरीर को टुकड़े टुकड़े करके बाकी जो बचा था उन्होंने एक पेड़ पर लगाकर टांग दिया। ऐसे बहुत मिसाल है, लेकिन ये जो नायक नायिका थी उनके पीछे सपना था कि हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं, केवल उनको हटाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, हमारे बाद जो आजाद हिंदुस्तान बनेगा, उस हिंदुस्तान लुटेरों का नहीं, उस हिंदुस्तान हमारे साधनों को लूटने वालों का नहीं, उस हिंदुस्तान में हर नागरिक को बराबर का अधिकार मिलेगा, ये सपना। तो वो आंदोलन जो रूस की क्रांति से प्रेरणा लेकर 20वीं सदी में उसको और ठोस रूप में रूस की क्रांति के बाद उसका कार्यक्रम बनाया, उसका पहला सबसे मजबूत संदेश था। आपको पता है आज के शासक तो बहुत बातें करते हैं, मैं चैलेंज करती हूं उनको, कोई सा भी उनका नेता हमें आकर बताए कि आजादी का पहला प्रस्ताव किसने रखा, किसने रखा हिंदुस्तान में आजादी का पहला प्रस्ताव कि डोमिनियन स्टेटस से हमें पूर्ण रूप की आजादी चाहिए। 1921 में कांग्रेस की अहमदाबाद की सेशन में कम्युनिस्टों ने घोषणा पत्र बांटा जिसमें पहली बार आजाद हिंदुस्तान, इंडिपेंडेंट इंडिया का नारा उठा। प्रस्ताव
मौलाना हसन मोहानी, पहला हिंदुस्तान का प्रस्ताव वो रखा था। आज जो लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद के नाम लेकर किसी धर्म के साथ जोड़ने का काम करते हैं, उनको याद करना चाहिए इंडिपेंडेंस का फर्स्ट रेजोल्यूशन हसरत मोहानी ने रखा था 1921 में और उसका समर्थन किया स्वामी प्रभानंद। और वो सपना हमने यहां सतारा सांगली के 20 साल बाद उस रेजोल्यूशन का हमने देखा, आजाद हिंदुस्तान का पहला निशान। जब गांधी जी ने कहा क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, लोग जेल में गए, लेकिन उसको गंभीरता से अमल में लाने के लिए हमारे क्रांति सिम्हा नाना पाटिल ने उसको अमल में लाने का काम किया। पहले दौर में जब यहां संघर्ष हुआ 8 लोग मारे गए, शहीद हुए। उसके बाद नाना पाटिल ने कहा कि हम इस आंदोलन को दोबारा शुरू करते हैं, और उसके बाद शुरू करके मेरे प्रिय साथी ये कल्पना कैसे की जा सकती है जो हकीकत में बदल दिया। 3 साल 1942 में शुरू, 1945 में अपनी जामा देकर 1946 तक इस पूरे क्षेत्र में तिरंगा हर ऑफिस में तिरंगा था और ब्रिटिश का नीचे किया। जब आज हमारे लोग जो दिल्ली में राज कर रहे कहते हैं हर घर में तिरंगा, उनको कुछ अर्थ भी उसका पता है किन्होंने इस तिरंगा को फहराया और किन्होंने इस तिरंगा को अपने जान से भी और प्यारे करके उसके लिए शहादत दी। और इसलिए मैं कहती हूं ये जो 3 साल की सरकार चली और उस सीमित अधिकारों को लेकर जिस रूप में वो यहां प्रति सरकार चली, आज हम कहते हैं किसानों की कर्जा मुक्त करो, किसानों को कर्जा मुक्त करो, किसानों की कर्जा माफी दो। वो पहला सरकार था हिंदुस्तान में प्रति सरकार, उस समय बैंक नहीं थे, उस समय महाजन थे, साहूकार थे, जिनकी घरों में बड़े खेत में हर किसान का नाम और नंबर था कि अगर तुमने 100 रुपया लिया है तो ब्याज लेकर तुम्हें 400 रुपया देना पड़ेगा, वरना हम तुम्हारी जमीन को हड़प लेंगे। क्या किया नाना पाटिल की सरकार ने, अभी हम तो बैंक में जाकर सरकार की अर्जी लेकर कुछ ना कुछ, कभी कभी वो कहते हैं कर्जा माँ। उस समय क्या किया, उस समय वो देशमुखों के घर जाकर, साहूकारों के घर जाकर वो सारे कागज लेकर जला दिया था और कहा तुम्हारी शोषण का जो समाज है, तुम्हारा शोषण का जो राज है, यहां इस प्रति सरकार में वो नहीं चलेगा। और हजारों की तादाद में किसानों को दूसरी बार उन्होंने ब्रिटिश की गाड़ियों को लूटा। क्यों आज हम दूसरी टाइप की लूट देख रहे, समझ गए ना? आज 3 साल में भैया 12 लाख करोड़ रुपया का बड़े बड़े पूंजीपतियों का लूट है जो कर्जा माफ कर लिया बैंकों ने। वो लूट में इन्होंने जब गाड़ी को लूट किया उस पैसे को लेकर उन्होंने गरीबों पर,
और गरीबों को बांट कर कहा, तुम अपनी जिंदगी को सम्मान के साथ जियो, इज्जत के साथ जियो, तुम किसी से पीछे नहीं हो, तुम बराबर के नागरिक हो हिंदुस्तान का। ये था उनका। और तीसरी बात, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की बराबरी के लिए, जहां जहां उनको पता चलता कि महिलाओं के ऊपर यहां अत्याचार हो रहा है, वो वहां तुरंत जाकर उसके खिलाफ वो लोग आवाज उठाते थे। सामाजिक सुधार आंदोलन होने की, जो जाति प्रथा के खिलाफ, जो जबरदस्त सत्य शोधन के नाम पर जो जबरदस्त आंदोलन था, उसके असूलों को, उसके सिद्धांतों को स्वीकार करके 1400 गांवों में जाति प्रथा के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, आज तो सामाजिक न्याय की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय को जमीनी तौर पर उतार के कैसे जाति प्रथा के खिलाफ लड़े, वो था इस सरकार के कार्य। और आज हम सोच रहे, आज हम कहां खड़े हैं, आज क्या कोई प्रति सरकार की जरूरत है या नहीं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, है ना जरूरत एक प्रति सरकार की, एक प्रति विचारधारा की, और आजादी के दूसरे आंदोलन। हाँ, हम 15 अगस्त को तिरंगा फहराएंगे, हाँ हम घर घर फहराएंगे, लेकिन उस मंशा को लेकर नहीं जो आज दिल्ली में राज करने वाले अपने अतीत को छिपाने के लिए, जिन्होंने हमेशा ये कहा, आपको याद है जब ये तिरंगा की बहस हुई, सबने स्वीकार किया, लेकिन कुछ शक्तियां थी जो धर्म के नाम पर बोले उस वक्त कि 3 रंग का झंडा अशुभ है, हम कभी इस झंडा को नहीं फैलाएंगे। कौन थे? आज वही लोग उस समय आरएसएस के नाम लेकर वो काम करते थे, आज न जाने आरएसएस के साथ कितने वो परिवार उनके बन गए हैं, हमें मालूम नहीं, गिनती करना मुश्किल है, लेकिन आज दिल्ली में बैठकर जो लोग हमें राष्ट्रवाद की पाठ बनाने का प्रयास करते हैं, हम बोलते हैं अपने गृहवाल में झुक कर देखो कि असली राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद किसी धर्म के साथ जोड़कर वो कभी राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। देशभक्ति, भगत सिंह, अशफाक उल्ला, जितने भी हमारे शहीद हुए, हिंदू मुसलमान ईसाई और जो भी धर्म के थे, उनकी देशभक्ति का सबसे मजबूत आधार था कि धर्म अपना निजी मामला है, धर्म के आधार पर किसी देश के नागरिक का पहचान नहीं बन सकता। हमारे हिंदुस्तान की नागरिकता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अंतर क्या है? उनकी नागरिकता, उनका सत्ता किसी एक धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारी नागरिकता हमारे देश के संविधान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम इस धर्म के लोग नहीं।
और सिर्फ हमारे संविधान में, हमारे सुप्रीम कोर्ट, आज जो लोग बैठे सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन कम से कम अपने कोर्ट के इतिहास को भी इनको याद रखना चाहिए। केशवनंद भारती का जजमेंट 1973 में, गोमाई का जजमेंट 1994 में, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदुस्तान का सत्ता किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ सकता है। धर्म एक निजी मामला है, सत्ता का किसी धर्म का रंग नहीं हो सकता। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, अरे धर्म की भक्ति तो सबके दिल में हो सकती है, किसी भी धर्म के प्रति हमारी भक्ति हो सकती है, किसी भी देवता या देवी को हम पूजा कर सकते हैं, ये हमारे अपने निजी मामला है। लेकिन धर्म को लेकर तुमने हिंदुत्व का विचारधारा बनाया, लोगों को बेवकूफ बनाया। ये हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है, किसी धर्म के साथ उसका कुछ लेना देना नहीं है, वो कुर्सी की लड़ाई का एक हथियार है। और इसीलिए आज जब हम इस मंच पर प्रति सरकार की काम को देखते हैं, प्रेरणा की स्रोत मानते हैं, हम जानते हैं उसका आधार जनवाद और एक जो आज देश की शासन वर्ग और शासन दल इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये एक बात है। दूसरी बात, आज मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, मजदूर, किसान, गरीब, आज उनकी क्या हालत है। कहते हैं हिंदू खतरे में है, अच्छी बात, हिंदू खतरे में है क्योंकि भूख से मर रहे हैं। और केवल हिंदू नहीं, हिंदुस्तान के हर नागरिक, आप हिंदू की बात करते हैं, क्या वो हाफिज की लड़की कौन से धर्म की थी जिसका जात के नाम पर गैंगरेप हुआ और सरकार ने बलात्कारियों का साथ दिया और कहा कि कोई अपराध ही नहीं हुआ, वो कौन सी धर्म की थी। जो मजदूर, लाखों मजदूर छजनी के, बेरोजगारी के, भूख के शिकार बन रहे हैं, वो कौन सी धर्म के हैं। मैं पूछती हूं, कौन सी धर्म के। इस देश की बहुमत जनता जो आज तरस रही है, वो कौन सी धर्म के हैं। जब कॉर्पोरेट घराने, अडानी, अंबानी हमारी जमीन को छीनते हैं, हमारे वेतन को छीनते हैं, हमारे देश की साधनों को छीनते हैं, तब धर्म नहीं याद आती है। धर्म याद आती है जब लोग एक होकर संघर्ष करते हैं, तब धर्म याद आती है उनको बांटते हैं। आज एक कॉन्फ्रेंस की ऐसे हालात बने हैं मेरे प्रिय साथियों, इस साल की जनवरी महीने में ऑक्सफैम जो हर देश की असमानता का एक जायजा करते हैं, एक संस्था है ऑक्सफैम, इन्होंने इस साल की जनवरी महीने में एक विश्लेषण दिया कि पूरी दुनिया की असमानता की रिकॉर्ड में हिंदुस्तान का नंबर सबसे ऊंचा है। हमारे देश के 100 सबसे अमीर लोग
हमारे देश के 100 सबसे अमीर लोगों का जो धन है, जो पूंजी है, वो 55 करोड़ परिवारों के पास जो है उसका बराबर है। हम सोच सकते हैं 100 और 55 करोड़, ये कैसे हुआ? ये कौन सी धर्म की जादू की छड़ी है भैया? ये उन नीतियों की जादू है कि हमारे देश में जब लोग पैंडेमिक और कोरोना और लॉकडाउन से परेशान थे, उस समय इन लोगों का मुनाफा और पूंजी 23,000 लाख करोड़ से 57,000 लाख करोड़ बन गए। और मजदूर के लिए लेबर कोड, मजदूर के लिए कानून नहीं, किसान के लिए वो कानून। तो ये है हमारे देश की आर्थिक स्थिति। और हमारे वित्त मंत्री जी कहती है महंगाई का कोई समस्या नहीं। सुना था आपने उनका भाषण, कोई समस्या नहीं है। अरे तुम्हारे जमाने में और भी था महंगाई, इसलिए हम कहते हैं कोई महंगाई का समस्या नहीं। मैं अभी गांव गांव में मनरेगा जो है ना 100 दिन का काम का साइट, जहां अधिकतर महिलाएं काम करती हैं, अभी मैं 5 प्रदेशों में लगभग 30 मनरेगा की साइट पर जब हम गए तो महिलाओं ने कहा, मैंने पूछा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, उन्होंने कहा महंगाई। उन्होंने कहा आज महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम केवल रोटी और मिर्च की चटनी बनाकर खाते हैं। मैंने कहा मिर्च की चटनी? उन्होंने कहा हाँ, अगर मिर्च की चटनी खाओगे तो भूख जल जाता है, तो भूख जलाने के लिए महिलाएं नए नए रेसिपी निकालते हैं। और निर्मला जी कहती है महंगाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, शर्म आनी चाहिए। मैंने सुना हमारे बच्चियों ने इतनी बढ़िया तरीके से बताया कि लॉकडाउन में इस स्कूल ने ऑनलाइन बच्चों की इतनी मदद की, इसके बावजूद भी उनके इतने मार्क्स अच्छे आए, मुबारक हो आप। लेकिन हमारे देश के 92% बच्चों की पढ़ाई समाप्त है ऑनलाइन। डिजिटल इंडिया मोदी जी की डिजिटल इंडिया से भैया एक नया डिजिट निकला है, एक नई हकीकत निकली है कि डिजिटल अमीरों के लिए और गरीबों की और गरीबों के परिवार के लिए भूख और शिक्षा से वंचित। केवल एक प्रदेश है पूरे देश में जहां इस पैंडेमिक में ऑनलाइन पढ़ाई में, जहां दूसरे प्रदेशों में 92% बच्चे ऑनलाइन से परेशान हुए, केरल के अंदर जहां ये लाल झंडा की सरकार है, जो नाना पाटिल की असूलों की सरकार है, वहां 92% बच्चों के पास पढ़ाई का पूरा इंतजाम हुआ है। आज इंटरनेट नहीं मिल रहा नहीं, केरल की सरकार ने कहा कि इंटरनेट का एक्सेस बुनियादी अधिकारों में अधिकार है, इसलिए 20 लाख परिवारों को वो लोग 20 लाख परिवारों को मुफ्त में इंटरनेट
इंटरनेट की कनेक्शन दी। उन्होंने कहा हमारे देश की साधन किसी पूंजीपति के निजी संपत्ति नहीं हो सकती है, और इसलिए जहां दिल्ली में महामेला लग रहा है देश की संपत्ति का, LIC, बैंक, डिफेंस, हर चीज को बेच रहे हैं, एवेन्यू अभी अभी बिक गया है, सब चीज बेच रहे हैं, एकमात्र सरकार है केरल की, जिस सरकार ने जहां 13 पब्लिक सेक्टर यूनिट के इकाई राज्य सरकार के अंतर्गत है, वहां केरल सरकार ने उसको बचाकर घाटे को बदलकर मुनाफा में आज 12 ऐसे पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं हैं जिसमें हजारों मजदूरों की नौकरी भी बचा दिया। ये है केरल सरकार, ये है प्रति सरकार, प्रति मतलब ये जो दिल्ली में चलाने वाली सरकार है उसके खिलाफ। और जनवाद की क्या हालात, नाना पाटिल जी कम्युनिस्ट टिकट पर आप सबके समर्थन से, क्योंकि पार्टी इतनी मजबूत नहीं है लेकिन बहुत सारे साथियों ने मदद करके दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, और आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको पता है आज पार्लियामेंट के 80% लोग करोड़पति के करोड़पति। कौन गरीब मजदूर कभी लोकसभा का मेंबर बन सकता है? आज इलेक्ट्रल बॉन्ड करके मेरे प्रिय साथियों 65% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा आया है 4,700 करोड़ रुपया, सोच भी नहीं सकते 4,700 करोड़ रुपया एक ही पार्टी को मिला है, मोदी जी की पार्टी को। किसी को पता नहीं किसने दिया, क्या लेन देन हुआ, कोई जनवादी तरीका है ये कि हम पैसे ले रहे लेकिन जनता से छिपाएंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर कि हम किससे कितना पैसा ले रहे? और वो पैसा इस्तेमाल हुआ, हमने देखा महाराष्ट्र में जब शिंदे जी की फौज हवाई जहाज में चलते हुए 5 सितारे होटल में बैठे वहां योगा किया, बारे बार यहां से वहां जाना पड़ा योगा करने के लिए, ये तो कुछ नए नए चीजें हैं। योगा के पीछे क्या कर रहे थे किसी को पता? उस समय जब आसान बाढ़ में डूब रहा था वहां करोड़ों रुपया खर्च के, वो पैसा कहां से आया? आज शिवसेना का एक MLA कहता है कि मेरे कॉर्पोरेट के ऊपर भ्रष्टाचार का केस लगाकर बंद कर लिया, शिंदे जी ने मुझे कहा आ जाओ और आ जाओ मेरे पास और तब तुम्हारा कॉर्पोरेट भी खोल देंगे। तो उस MLA ने कहा, मैं उद्धव ठाकरे जी के पास गया और कहा कि मेरे कॉर्पोरेट खोलने के लिए मुझे वहां जाना पड़ा, क्या आपकी इजाजत है भाई साहब? तो वो क्या कहते हो वहां, यानी कि मोदी जी का एक नया नारा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं विपक्ष में, लेकिन विपक्ष का अगर आ जाए हमारे पक्ष में तो भैया दूध के धुले हुए लोग भी इतने 5 साथ हुए। ये तो एक नया वो है ना, वो निर्मा वॉशिंग पाउडर वो है ना, वो अभी मोदी वॉशिंग पाउडर, अमित शाह वॉशिंग पाउडर, वो नया सब है, जितने भी खास लोग हैं वो सब मोदी जी के खेमे में आ जाए और अमृत महोत्सव हो जाता है।
आपको पता है आज हमारे देश की जनवादी प्रणाली में जब से मोदी जी सत्ता पर आए 12 बार उन्होंने किसी चुनी हुई सरकार को जनता की मत को पैसे के बल पर दल बदलू की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए 12 बार उन्होंने प्रयास किया। मेरे पास पूरा लिस्ट है, मैं पढ़ के सुना दूंगा। सिर्फ 2 बार वो सक्सेस नहीं हुए, राजस्थान में और पहले झारखंड में। लेकिन आज हम देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ वो जो 2 MLA पकड़े गए झारखंड में, लाखों रुपया था उनके पास, 3 MLA पकड़े गए, कांग्रेस के MLA पकड़े गए, और उन्होंने कहा, दूसरा MLA ने कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री के पास हो गए, समझ लो पैसे लेकर झारखंड की सरकार को बदलने का प्रयास कर रहे। ये चाहते कि 2024 तक पूरे हिंदुस्तान में एक दल का शासन हो, ये उनका प्रयास है सब जगह। लेकिन मेरे प्रिय साथी, वो इस बात को भूल जाते हैं, जनता, जन शक्ति, जन आक्रोश और जन एकता। किसानों ने दिखाया कि नहीं, मजदूर दिखा रहे हैं, महिलाएं सड़के पर उतरे हैं, अपनी पीठ के बाद लाखों नौजवान हिंदुस्तान के सड़कों पर उतरे। जन की शक्ति है, यही नाना पाटिल के उस आंदोलन में दिखाई दिया, जन शक्ति। और उसी शक्ति पर और सिद्धांत और असूल की नीति पर खड़े होकर हम शपथ लेते हैं कि हिंदुस्तान की 75वीं दिवस पर, स्वतंत्र दिवस पर, हम अपने शहीदों के बलिदान को कभी भी भूलने नहीं देंगे, कभी भी उसकी विरासत को झूठे और नकली राष्ट्रवाद के नारा देने वालों के हम कभी भी उनके सामने झुकेंगे नहीं। ये आज हमारा शपथ है। और इसलिए मेरे प्रिय साथी, बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ हम लोग सब जहां भी आप हैं, सब गुण रूप की कार्यकर्ता नहीं बन सकते, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन जहां भी हम हैं, हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम लेखक हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, हम महिलाओं की जिम्मेदारी घरों में संभालने वाले हैं, कहीं भी हम हैं, हर जगह एक स्थान होता है और उस स्थान पर खड़े होते हैं। अगर हम अपने दिल में और अपने काम में ये ठान लेते हैं कि और नहीं, आजादी आजादी है, हम भारत के लोग, उस आजादी जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आजादी की जो जरूरत है, आज हम सब एकजुट होकर हमारे देश की सेकेंड फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुट हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर हम सभी संघर्षों की तरफ से, सभी व्यक्तियों की तरफ से जो बुलडोजर पॉलिटिक्स के खिलाफ आज खड़े हैं, जो हमारे साथी, निर्दोष साथी जो जेलों में है आज, भीमा कोरेगांव के नाम पर जेल में है, इतने स्टूडेंट्स आज दिल्ली की तिहाड़ जेल में है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बुलडोजर पॉलिटिक्स का रोकने का काम किया। उनको इस पुरस्कार, उन्हीं को इस पुरस्कार को हम लोग सब यहाँ सम्मानित करते हैं। और दादा
पाठक के परिवार से मिलने की मैं बहुत अपने को मतलब क्या बताऊंगी, आई फाइंड माई सेल्फ प्रिविलेज टू बी हियर, थैंक यू वेरी मच इंडीड, जिंदाबाद प्रति सरकार, जिंदाबाद।